अल्लाह की रहमत किसे मिलेगी? मैं चाहता हूं कि अल्लाह की रहमत मुझे मिले। आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आपको मिले? हर मुसलमान चाहता है, सुनो गौर से, हर मुसलमान चाहता है कि मेरी जिंदगी में अल्लाह की रहमत बरसे। चाहते नहीं चाहते हैं? चाहते नहीं चाहते हैं? हर मुसलमान चाहता है कि मेरी जिंदगी में अल्लाह की रहमतों की बारिश हो। चलो कुरान मजीद क्या कहता है, ये अल्लाह की रहमत किसे मिलेगी? वह रहमती वसीअत कुल्ल शय, और मेरी रहमत हर चीज पर वसी है, कोई चीज मेरी रहमत से बड़ी नहीं है। अल्लाह कह रहा है वह रहमती वसीअत कुल्ल शय फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तकून, ये रहमत मैं उन लोगों के लिए लिख देता हूं। अल्लाह कह रहा है ये रहमत मेरी मेहरबानी उन लोगों के लिए मैं लिख देता हूं, लिल्लज़ीन यत्तकून, जो मुत्तकी हैं उनके लिए मैं अपनी रहमत लिख देता हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की वसीयत तकवा है, नबी की वसीयत तकवा है। अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक अगर बनना है तो अपनी जिंदगियों में हमें तकवा पैदा करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आज मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है इसलिए कि अल्लाह की मदद जिंदगी में नहीं है।